जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं बेला ग्राम पंचायत अंतर्गत। यह ग्राम सुअरधार है और सुअरधार और बेला ग्राम को जोड़ने के लिए यह एकमात्र सड़क है। और बरसात के दिनों में जलजमाव की स्थिति निर्मित हो जाने से यह सड़क की जो उपयोगिता है वह पूर्णतया समाप्त हो जाती है और आवाजाही बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है और रुक जाती है। इसी उद्देश्य से इस सड़क को जो है इस पे यहाँ पर इस सड़क मार्ग पर यह पुल की निर्माण, छोटी सी पुलिया का निर्माण कर दिया गया है, ताकि यहाँ के ग्रामीण जो है बरसात के दिनों में भी यदि सेहत संबंधित या राशन संबंधित कोई भी कार्य शहरों से जोड़कर जाना हो, शहरों तक जाना हो, शहरों तक पहुँच मार्ग है, तो यह सुगमता से हो सके। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पर कार्य किया गया है और कितनी मजबूती से प्रदान की गई है। एक छोटा सा यहाँ पर द्वार दे दिया गया है जहाँ से पानी आना जाना, पानी की निकासी हेतु इस द्वार को दे दिया गया है। और जब पानी के तेज बहाव आएंगे तो यह पुलिया किस तरह से झेल पाएगा, इसकी मजबूती का एक प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए, अगर यह हाथ से, यह देखिए तो किस तरह की यहाँ पर क्रियाकलाप किए गए हैं, कितनी मजबूती आप इसे प्रदान की गई है आप देख पा रहे हैं। जबकि इस पे सीमेंटेड हो चुका है, ये देखिए सीमेंट के लेयर देख लीजिए। इस पे ना मुकम्मल रूप से इसकी क्यूरिंग की गई है, ना इस पे पानी छिड़काव किया गया ताकि वह उसका बेस, उसका मजबूती बेहतर तरीके से हो सके। तभी तो इस तरह से इतनी कमज़ोर इसका जो है निर्माण किया गया। आप देख पा रहे हैं पानी का थपेड़ा, पानी का बहाव आएगा तो किस तरह से यह बर्दाश्त कर पाएगा। तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से घोर लापरवाही बरती जा रही है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जहां भी कार्य चल रहे हैं संबंधित विभाग उस पर अपनी पैनी नज़र रखे और उस पर जांच करे किस तरह से उसे मजबूती प्रदान की जा रही है कि नहीं। क्योंकि अगर यह फिर पुनः टूट जाता है, फिर से उसे बड़े ही मिन्नतों के पश्चात, कितने पेपर, कितने कागज़ बनने के पश्चात, कितने आवेदन निवेदन करने के पश्चात इस तरह के पुल पुलिया और सड़क का निर्माण हो पाता है और वह जल्दी शीघ्र अगर वह टूट जाता है तो उस पर दो क्षति है। एक तो ग्रामवासियों को इतनी मेहनत फिर से उठानी पड़ेगी, इतनी जहमत फिर से उठानी पड़ेगी, तमाम तकलीफों का सामना फिर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शासन का जो आर्थिक नुकसान होगा वह तो होगा ही, क्योंकि शासन ने अपने पैसे खर्च किए हैं और कहीं ना कहीं अगर यह जल्द ही जल्द टूट जाता है, इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो शासन को फिर से पुनः इस पर खर्च करना पड़ेगा और पुनः इसे बनाने पड़ेंगे। तो अगर पुनः इसे बनाना पड़ेगा तो उस वह जो फिजूल खर्ची है, शासन का जो पैसा है जिसकी जो मतलब जो जिसका खर्च जो है किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं सार्थक साबित नहीं होगा और उसका खर्च जो है उसका भार डबल उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यह शासन के लिए जो है जो आर्थिक क्षति हो रही है पैसे की, शासन के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग साबित हो सकता है भविष्य में, जब यह महीने दो महीनों या साल भर के भीतर टूट जाता है तो क्या साल भर के बाद फिर से बनाया जाएगा, क्या बार बार हमेशा बार बार पुल पुलिया बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पुल पुलिया का निर्माण यदि आप करते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी मजबूती है, आप देखिए जो है कितनी मजबूती से प्रदान की गई है। इसमें इतने तमाम गैप हैं और इसमें कितने कमज़ोर भीतर जो है रॉड लगे हैं, इस पर भी जांच करने की आवश्यकता है कितनी मजबूती प्रदान की गई है। आप देख पा रहे हैं इतना सकरा पुल अगर पुलिया का निर्माण किया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें कार्य में कोताही बरते जाने का भी अंदेशा मालूम होता है। संभवतः इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। देखिए आप किस कदर से जो है अभी से ही इसमें से इसकी दरारें दिख रही हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल्स लगे हुए हैं बेतरतीब तरीके से पत्थर लगा दिए गए हैं, पत्थर लगे हुए हैं और रॉड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सरिया जो है संभवतः लकड़ी है और ये पत्थर जो है लगे कितने कमजोर वह दिखाई पड़ रहे हैं। और जहां पर गिट्टी का उपयोग होना चाहिए वहां पर यह पत्थर, अब आप देखिए यह क्या है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है। तो गिट्टी में इस तरह से जिसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जिसकी उपयोगिता ही नहीं है, उसे भी भर दिया गया, कूट दिया गया, चाहे जैसे भी है, जैसे कि कोई मसाला हो, कुछ भी ऐसे ही थोड़ी आप भर देंगे। उसका जो सीमा है, जितना उसको डालना होता है, जितनी इसकी क्वांटिटी होती है, उसका एक मापक होता है, उसको मापक के अनुसार उसमें जो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए किस कदर लापरवाही बरती गई है। भीतर इसके अंदर अभी भी जो शटरिंग होता है, शटरिंग के दौरान जो बोरे का इस्तेमाल किया जाता है, वो बोरा इसमें फंसा हुआ है। अब उसे धीरे धीरे स्नेह स्नेह उसे कमजोर करेगा,
निसंदेह वह जल्दी ही यह पुल जो है अपने कमजोरी में आ जाएगा और अपने अस्तित्व को खो बैठेगा। आइए हम कुछ ग्रामीणों से पूछते हैं कि कहाँ आप लोग रहते हैं, क्या नाम है आपका? बुधवार सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? बेला। बेला के हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है इस गांव में आप रहते हैं ना? हाँ। ये गांव का नाम क्या है? सुवरधार। सुवरधार। ये जो पुल पुलिया बना है इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें मजबूती प्रदान बेहतर तरीके से नहीं है, क्या समझते हैं? हाँ, ये जो है आप मतलब जैसे पुल बना है इसमें कहीं ना कहीं जो है इसको गाने को आप बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आप मेरा ही बात सुन लीजिए ज़्यादा, है ना? शुरू से उसको काट देंगे हम लोग वहाँ अभी। ये बताइए आपका क्या नाम है? बुधवार सिंह है। बुधवार सिंह, कहाँ निवास करते हैं आप? निवास बेला होता है। अच्छा, ये आपका गांव कौन सा है? सुवरधार। तो यहाँ रहते हैं ना? सुवरधार। सुवरधार निवास करते हैं आप, है ना? तो ये बताइए ये जो पुल पुलिया जो बना है ये आपको मजबूत दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसमें कोताही बरती गई है, माने कहीं ना कहीं कमजोर है तो इसमें लापरवाही बरती गई है? थोड़ा कमजोर है। कमजोर है ना, अगर पानी का थपेड़ा आता है तो ये झेल पाएगा इसे? नहीं झेल पाएगा। तो शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग है, क्षति होगा। अच्छा, ये जो मट्टी है, जो मट्टी यहाँ इसमें लगाया गया हम देख पा रहे हैं, वो मट्टी यहीं से खोद कर लगा दिया गया है? हाँ, है ना, उसमें पेड़ की क्षति भी हो सकती है, कई पेड़ के जड़ तक उखाड़ दिए गए, वहाँ पेड़ भी गिर सकता है। अच्छा, किस के द्वारा काम कराया गया, कौन ठेकेदार का नाम जानते हैं आप? ठेकेदार को तो नाम तो नहीं जानता। पंचायत से काम कराया गया है क्या ये? हाँ। अच्छा, आपके सरपंच का क्या नाम है? फूल सिंह। फूल सिंह राठिया तो थे, अब उनकी बहू है। हाँ, जया राठिया। हाँ, मतलब जया राठिया उनकी बहू का नाम, ठीक है? फूल सिंह जो है ना उनके ससुर है। तो सरपंच यहाँ पर जो जया राठिया जी है, जब यह कार्य हो रहा था तो आई थी एक बार भी देखने? कैसा कार्य? आया था भैया, नहीं इसी कार्य की गुणवत्ता जांच करने नहीं आया, देखने भी नहीं आया, निरीक्षण भी नहीं किया? नहीं किया। देखिए किस तरह से महिला सरपंच जो है उनके क्षेत्रों में कार्य होता है और वह घरों में होती हैं। यह हम बार बार कहते हैं कि यदि महिला सरपंचों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, महिला सरपंचों को सीटें आरक्षित की गई हैं, तो महिला सरपंच आप सबों से निवेदन है उन तमाम महिला सरपंचों से कि वे घरों से निकलें और अपने कार्य का बेहतर निर्वहन करें। सरपंच पतियों को, माने अपने पतियों को और अपने घर के पुरुषों को न भेजते हुए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, आप पहुंचे, बेशक उनको साथ में लेकर पहुंचे, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में पहुंचे ताकि कुछ सीखें और समझें। आपको तमाम शासन जो है ट्रेनिंग देती है, आपको किस तरह से अपने क्षेत्र में कार्य करना है आपको समझाई दी गई है, और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि यदि इस तरह से महिला सरपंचों को सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है तो यह भी समझें कि वह महिला कितनी जो है सबल है, सक्षम है और पढ़ी लिखी है। अगर यह सब चीजों की जांच नहीं करेंगे तो हम जो है कहीं भी तरक्की, कभी किसी मामले में तरक्की हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि महिलाएं घरों से निकलेंगी नहीं, महिला सरपंच अगर घरों से निकलेंगी ही नहीं तो किस तरह से जो है अपने पंचायत क्षेत्रों में वह तरक्की के कार्य करेंगे और विकास कार्यों को जो है वह निरीक्षण करेंगे, उन विकास कार्य कितनी मजबूती से हो रहा है उसका निरीक्षण यदि नहीं किया जाता है तो भविष्य में कहीं ना कहीं लापरवाही पूर्वक जब ठेकेदार कार्य करते हैं तो उससे प्रभावित क्षेत्र का ग्रामीण होता है, आवाजाही करने वाले लोग होते हैं, और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है शासन के पैसे का, शासन के आर्थिक जो क्षति पहुंचती है, शासन के पैसे का जो दुरुपयोग होता है, क्योंकि पुल पुलिया अगर टूट जाते हैं, सड़कें जल्दी टूट जाती हैं तो पुनः उसे जो है ठेका मिलता है, पुनः ठेका देना पड़ता है, इन पैसों का दुरुपयोग करने का आपका कोई हक नहीं बनता। ये पैसे हमारे नागरिकों के हैं, देश के नागरिकों के हैं, जिनके दिए हुए टैक्स का एक पैसा जो है देश के हित में लगाया जाता है, उसे यूं ही पतीला नहीं लगाया जा सकता। देखिए, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है, यह देखिए आप, यहीं से मिट्टी की खुदाई कर दी गई है, और यहीं से देखिए आप मिट्टी की किस तरह से खुदाई की गई है कि अनेकों पेड़ पौधों को क्षति पहुंचा दी गई। यहाँ पर आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम जूम करके हम आपको दिखाते हैं, इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर कार्य किया गया है, कितनी लापरवाही की गई है, कितने पेड़ पौधों को क्षति पहुँचाई गई होगी। संभवतः कई पेड़ इसकी बलि भी चढ़ गए होंगे, कई पौधे इसकी बलि चढ़ गए होंगे, वहाँ तक अगर यहाँ से जो है अगर काटा गया है, मिट्टी को मिट्टी की कटाव की गई है यहाँ से, अब इस पुल में उसका उपयोग हुआ है। एक और चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने दिनों का कार्य था ये, यहीं के है ना आप? हाँ। कितने दिन काम चला ये? अभी ज़्यादा नहीं चला है, मतलब 2 हफ्ते से ही चला है। 2 हफ्ते में इस पुल को बना दिया गया?
पहले से बन गया था, फिर ऐसे घोड़ा बना था और टूट गया, तो फिर पत्थर को लगा रहे हैं बीच बीच में। हाँ, तो आप देखे कि वो पत्थर को मैं हाथ से ही हटा दिए तो हट गया। हट गया, इतना कमजोर बना है, देख लीजिए। कमजोर बना है भैया। तो इतना कमजोर और इतनी गुणवत्ताहीन कार्य क्यों? कहीं ना कहीं क्षेत्र के सरपंच, जनप्रतिनिधि अगर कार्यों को नहीं देखेंगे, वहां पर मौजूद नहीं होंगे, संबंधित विभाग के अधिकारी मौका मुआयना नहीं करेंगे, कार्य की जांच नहीं करेंगे, कार्य की गुणवत्ता की सुध नहीं लेंगे, तो इसी तरह के कृत्य लगातार जो कि किए जा रहे हैं और अभी भी हो चुके हैं, और इसी तरह के कृत्य क्यों? संबंधित विभाग अधिकारी जो है समय समय पर उनको सैलरी मिलती है, हर महीने एक मोटी सैलरी पाते हैं इन्हीं कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु। तो अगर वे गुणवत्ता की जांच किए हुए हैं तो संभवतः गुणवत्ता की जांच बेहतर तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि यह गुणवत्ताहीन है। हमने दिखा दिया है कि जो पुल अगर हाथ से उसके ईंट ध्वस्त हो जाते हैं और उसके पत्थर जो उसको उसको उसकी सुरक्षा है तो उसको मजबूती प्रदान करनी है तो उसको उसको दोनों छोरों पर लगाया जाता है, उनके छोर अगर हाथ से हम ऐसा नॉर्मल सा धक्का दे देते हैं या उठाते हैं तो निकल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती उसे प्रदान की गई है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता की जाँच करने के लिए अधिकारियों को हमेशा मौजूद होना चाहिए, कार्य में लगे हुए इंजीनियर वहाँ पर उसकी गुणवत्ता को देखें। और निवेदन करता हूँ क्षेत्र के सरपंचों से कि वे भी अपने कार्य क्षेत्रों में जहाँ पर उनके विकास कार्य हो रहे हों वे लगातार प्रत्येक दिन वहाँ पर मौजूद हों और उसकी कार्य की गुणवत्ता जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता वो प्रत्येक दिन निर्माण कार्य को देखें, ताकि बेहतर तरीके से आपका ठेकेदार जो है कार्य का मजबूती प्रदान करके कार्य का निर्वहन करे। तो हम जानते हैं एक ग्राम के एक और ग्रामीण से, यह भी हमारे खबर के दौरान मौजूद हो गए हैं, क्या नाम है आपका? सुख सिंह। सुख सिंह कहाँ रहते हैं? सूरधार। सूरधार में रहते हैं। हाँ। ये जो क्या बना है आपके पीछे, पुलिया है कि पुल है? क्या पुलिया है? पता नहीं है सर जी, हम मतलब बोले हमने सर जी वो बात ही नहीं माने ना। नहीं तो ये कहा बोलते हैं, पुलिया बोलते हाँ। हैं कि पुल बोलते? पुलिया बोलते हैं ना। पुलिया। हाँ। हाँ, पुलिया बना है। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये पुलिया मजबूत है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं है सर जी, कमजोर बना है। कमजोर है। तो आपके सरपंच का क्या नाम है? अभी तो महिला सरपंच है ना? महिला सरपंच राठिया जी है। जय राठिया है क्या? जय राठिया। हाँ। वही है ना? हाँ, हाँ। जो पहले उनके ससुर हाँ, जी थे। हाँ, हाँ। अच्छा, तो जय राठिया जब यहाँ पर काम चल रहा था, कितने दिन काम चला है पुलिया का? यहाँ से सर जी 15 दिन चल है। 15 दिन में कितने दिन आए हैं सरपंच यहाँ? कोई दिन नहीं आया। एक भी दिन? एक दिन। देख लीजिए आप, अगर एक भी दिन सरपंच नहीं आते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदार आए थे? आए थे सर। अच्छा, और उसके इंजीनियर आए थे? आए थे सर। इंजीनियर जांच करके गए हैं? जे है, लेकिन वो इंजीनियर तो यहाँ पर आते तो इतना कमजोर काम नहीं होता। ठेकेदार जरूर आए हैं। ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार है सर। इंजीनियर को आप पहचानेंगे कैसे? हाँ, है ना। और अगर आए भी होंगे तो एक दिन आ गए होंगे। हाँ, लेकिन इंजीनियर को आकर यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता थी, अगर इंजीनियर आए होते तो कार्य और मजबूत होता। हाँ, हम हाथ से हटाए भाई के सामने। हाँ, तो हट रहा है सब, उसका ईंटा वो जो वो पत्थरा है। हाँ, वो हट रहा है। कमजोर है मतलब? कमजोर है सर जी। आए जाने का रास्ता एक ही है आपका? यही है। पानी में जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है। हाँ, तो फिर जाना आना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है सर। देखिए, आने जाने का एकमात्र रास्ता है पानी। बरसात का 3 महीने का समय होता है जिसमें पानी भरा रहता है, और उस अवस्था में यदि किसी को तबीयत खराब हो, बीमार हो जाए, तो वहाँ इनके घरों तक नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँच पाता है, उनको खटिया में बैठा कर सड़क पार करना पड़ता है। पड़ता है सर जी, यही होता है ना? हाँ, होता है सर जी। ये दुर्दशा, ये दयनीय स्थिति है। इसके बावजूद अगर ले देकर इतने वर्षों के पश्चात अगर एक पुलिया का निर्माण कर भी दिया जाता है आनन फानन में, तो देखिए उसकी मजबूती, उसका ढांचा किस तरह से तैयार किया जाता है, कितनी लापरवाही बरती जाती है, यह एक जाँच का विषय है। संभवतः इस कार्य में जो है कहीं ना कहीं घोर लापरवाही बरती गई है, उसका जीता जागता प्रमाण हमने आपके सामने पेश कर दिया है। ग्रामवासियों का भी कहना है कि कार्य पर जो है अनदेखी की गई है और मजबूती प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही क्षेत्र के सरपंच और संबंधित कार्य के इंजीनियर भी संभवतः यहाँ पर पधारे नहीं हैं। तो शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, जहाँ भी कार्य अगर वह करवाते हैं तो वहाँ पर जाँच टीम जरूर भेजें, उसकी गुणवत्ता की जाँच हो, उसका निरीक्षण हो, और इस पुल के लिए जिस संबंधित ठेकेदार को कार्य सौंपा गया है वहाँ भी शासन प्रशासन अपनी टीम भेजकर इसकी गुणवत्ता की जांच करे और इसे और भी बेहतर और मजबूत बनाने का प्रयत्न करे, ताकि जो शासन का पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।